गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर नाइन ब्रदर एंड सिस्टर दिस इज अ पोएम सो लेट्स रीड दिस पोएम ओके सिस्टर सिस्टर गो टू बैड गो एंड रेस्ट योर वेरी हैड दर्स द प्रूडेंट ब्रदर सेड यहाँ पे क्या है ब्रदर और सिस्टर के बारे में बताया गया है इस पोएम के अंदर तो ब्रदर जो होता है बहुत चतुर है बहुत चालाक सा है तो वो बोलता है कि जो सिस्टर है तुम बहन तुम बिस्तर पर चली जाओ जाओ और वहाँ पर जो तुम्हारा थका हुआ सिर है उसको आराम दो यानी कि तुम आराम कर लो डू यू वॉन्ट अ बैटर्ड हाइड और स्क्रेसिस टू योर फेस अप्लाइड दस हिज सिस्टर काम रिप्लाइड अब उसकी जो सिस्टर होती है वो बिल्कुल शांति से जवाब देती है कि तुम क्या तुम चाहते हो इनको जो तुम्हारे इंजरी आई हो तुम उनको छिपाना चाहते हो और तुम्हारे फेस पर जो स्क्रेच आए हैं तुम उनको छिपाना चाहते हो मीन्स जो तुम्हें लगी है जो तकलीफ हुई है तुम उसको छिपाना चाहते हो सिस्टर डू नोट रीच माई रैथ आई वुड मेक यू इनटू मटन ब्रॉथ एज इजीली एज केला मौत अब क्या होता है ब्रदर का गुस्सा बर्द वो बोलता है कि सिस्टर डो नॉट रीच माई रैथ तुम मेरे गुस्से को मेरे एंगर को और मत बढ़ाओ नहीं तो मैं तुम्हारा क्या बना दूंगा मटन का सूप बना दूंगा यानी कि तुम्हें मार दूंगा और इस तरह से बिल्कुल आसानी से जैसे कि एक मौत को मारा जाता है द सिस्टर रीज हर बीमिंग आइज एंड लुक्ड ऑन हिम इनडिग्नेटली एंड स्ट्रॉनली आंसर्ड ऑनली ट्राई अब सिस्टर जो होती है वो उसकी तरफ जो बीमिंग आइज है मीन्स उसकी तरफ बहुत चमकती हुई बहुत गुस्से से आँखों से उसको देखती है और उसके तरफ मीन्स क्रॉसली भी को नजरें गड़ा के उसकी तरफ देखती है और चतुराई से उसको कड़ाई से कठोरता से उसको जवाब देती है ओनली ट्राई अफ टू द कुक ही क्विकली रेन डियर कुक प्लीज़ लैंड मी लैंड अ फ्राइंग पैन टू मी एज क्विकली एज यू कैन अब वो ब्रदर जो है दौड़ता हुआ कुक के पास जाता है वहाँ से निकल के बोलता है डियर कुक प्लीज़ लैंड मी लैंड अ फ्राइंग पैन कि क्या तुम मुझे तुम्हारा जो फ्राइंग पैन है वो दे सकते हो टू मी एज क्विकली एज यू कैन इतनी जल्दी से जितने जल्दी तुम मुझे दे सकते हो एंड वेअर फोर शुड आई लैंड इट यू द रीजन कुक इज प्लेन टू व्यू आई विश टू मैक एन आयरिश टू अब वो बोलता है कि कुक बोलता है कि तुम्हें फॉर वॉट रीजन वी आयर फोर मीन्स फॉर वॉट रीजन कि किस रीजन से मैं तुम्हें यह दे दूँ उधार दे दूँ द रीजन कुक इज प्लेन टू व्यू तो वो बोलता है कुक रीजन जो है बिल्कुल सीधा है मैं क्या चाहता हूँ आई विश टू मेक इन आयरिश्रू मैं एक आयरिश स्ट्रू बनाती हूँ मींस ये क्या है एक तरह से मटन से बनी हुई होती है इसमें पटेटो अनियन वगैरह सब मिले होते हैं एक तरह से मीट और वेजिटेबल जो होते हैं ना बहुत स्लोली स्लोली पॉट के अंदर कुक की जाती है तो उससे बनती है आयरिश स्ट्रू वॉट मीट इज इन दैट्स टू टू गो किस प्रकार का मीट टू मिस को बनाने के लिए जा रहे हो माई सिस्टर विल बी द कंटेंट्स वो बोलता है ब्रदर कि मेरी सिस्टर जो है वो इसकी इन्ग्रीडियंट होगी मीन्स ये वो होगी ओहो यू यू लैंड द पेन टू मी कुक कुक से बोलता है कि आप मुझे अपना पैन उधार देंगे नो no. कुक बोलता है नहीं तो ये स्टोरी है दैन मॉरल इज द स्टोरी इज नैवर इज टू योर सिस्टर मीन्स अपने सिस्टर को इस प्रकार से इस ट्रू मत बनाओ उसे मत पकाओ उसका भड़ताना बनाओ इस तरह से ठीक है होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी इन द पोएम कम्प्लीटली ओके थैंक यू हैवे नाइस डे